हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज आप मेरे सामने देख रहे हो बजाज की ऑल न्यू N125। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कि बजाज की न्यू N125 के अंदर आपको क्या कुछ देखने को मिलता है, क्या इसके इंजन स्पेक्स रहेंगे, क्या इसकी माइलेज है, क्या इसके फीचर्स वगैरह आपको इस बाइक के अंदर देखने को मिलते हैं। साथ ही मैं बात करूंगा कि भाई ये बाइक जो है कॉम्पिटिशन से किस टाइप बेहतर है, और कम मतलब की काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगी। कॉम्पिटिशन से भी जो इसका थोड़ा कंपेरिजन किया जाएगा तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाली है। अगर आप भी बाइक प्लान कर रहे हो न्यू बजाज पल्सर N125 बाय करने का, तो आप जो इस वीडियो का एंड तक देखना, ये वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहेगी आप लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि भाई बजाज ने भी जो है, मैं कहूंगा कि चुपके से जो है भाई धमाका कर दिया, N125 को जो है मार्केट में लॉन्च कर दिया। आप हाल फिलहाल आप जो है चेक कर सकते हो कि भाई इंडियन जो है मार्केट के अंदर, जो कि 125 सीसी कैटेगरी के अंदर जो है भाई कंपनियों ने काफी सारे मॉडल्स को जो यहाँ पे लॉन्च किया। मैं बात कर रहा हूँ इसके कंपटीशन की, जो कि आपका टीवीएस का राइडर और हीरो की एक्सट्रीम 125 रहने वाली है। इसका जो भाई वो डायरेक्ट कॉम्पिटिशन है। और दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि आपको इस बाइक पे क्यों जाना चाहिए, वजह उनके अंदर ऐसा क्या है और इसके अंदर ऐसा क्या आपको देखने को मिलता है। और दोस्तों, मतलब कि मैं कहूंगा कि ना, कि उम्मीद नहीं थी भाई किसी को भी कि बजाज जो कुछ इस टाइप की जो यहाँ पे बाइक निकालेगा, क्योंकि ऑलरेडी इस साल के अंदर जो है बजाज ने अपने काफी सारे प्रोडक्ट्स को मार्केट के अंदर लेके आए हैं। जैसे कि आपकी NS400 हो गई, आपकी भाई फ्रीडम CNG हो गई, आपकी भाई पल्सर की जो है भाई N160 होगी, N150 हो गई। तो आपको जो है काफी सारे जो है बाइक जो है भाई बजाज ने जो है ऑलरेडी मार्केट में निकाल दी थी। तो किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि भाई बजाज ऐसा कुछ भी मार्केट के अंदर करने वाला है। और फिलहाल जो है भाई कंपनी ने आपकी जो है N125 को जो है मार्केट में लॉन्च कर दिया। इस बाइक के अंदर आपको दोस्तों फ्रंट में वही आपको जो है इंडिकेटर देखने को मिलते हैं, ये आपके हेलोजन बेस्ड है। लाइट आपको जो है इसके अंदर रिफ्लेक्टर बेस्ड LED हेडलाइट देखने को मिलती है, हाई बीम लो बीम के साथ में, जो कि आपकी कुछ इस टाइप से यहाँ पे वर्क करेगी। और बाइक के अंदर दोस्तों आपको फ्रंट में यहाँ पे कुछ इस टाइप से जो है सस्पेंशन का सेटअप देखने को मिलता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये बाइक जो बेस्ड है आपकी, वो फ्रीडम 125 पे ही बेस्ड है। जो आपकी फ्रीडम 125 है, ये बाइक उसी के फ्रेम पे बेस्ड है, तभी आप जो देख पाओगे कि ये जो है काफी ज्यादा लंबी है कुछ इस टाइप से। लेकिन इसके अंदर आपको CNG की जगह फ्यूल टैंक जो एड ऑन किया, तो इसलिए इसका जो फ्यूल टैंक है वो आपको यहाँ पे काफी बड़ा जो है देखने को मिलता है। और इस बाइक की जो लुक है वो कुछ इस टाइप से डिजाइन की है, जिससे कि आपको एडवेंचर कैटेगरी की बाइक वाली जो है फील आए। और यहाँ पे जो आपको शोकर कवर्स भी जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं इस टाइप से। ये टेलीस्कोपिक सस्पेंशन ही आते हैं इसके अंदर, लेकिन ऊपर आपको शोकर कवर देखने को मिलते हैं, जिससे भाई बाइक के लुक में कहूंगा ना ओवरऑल काफी बेहतरीन लगती है। ऐसा लगता है कि आप जो है 125 सीसी से भी ज्यादा सीसी की जो है बाइक को आप राइड कर रहे हैं। और ब्रेकिंग की बात करूं तो फ्रंट में यहाँ पे आपको 220mm की डिस्क प्लेट देखने को मिलती है, आई थिंक 220 की मिलती है, और मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा अगर मैं गलत हूँ तो। और यहाँ पे आपको जो है डुअल पिस्टन कैलिपर देखने को मिलते हैं, MRF कंपनी के टायर आते हैं बाइक के अंदर ट्यूबलेस। और टायर साइज की बात करूँ मैं तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा इस तरफ से, यहाँ पे आपको जो है भाई 8017 का ट्यूबलेस टायर देखने को मिलता है अलॉय व्हील के साथ में। इसका टॉप वेरिएंट आप मेरे सामने देख रहे हो न्यू। और इस बाइक के अंदर आपको यहाँ पे 12 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको पल्सर की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी कुछ इस टाइप से। न्यू इंजन है ये आपका N125 सीसी का, सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन है। और यहाँ पे भी आपको 5 स्पीड का गियर बॉक्स देखने को मिलता है, साइड स्टैंड मेन स्टैंड वगैरह देखने को मिलते हैं। साइड स्टैंड के अंदर इंजन कट ऑफ स्विच देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आपको स्प्लिट सीट देखने को मिलती है। और सीट के कंफर्ट की बात करूँ तो सीट जो है भाई कुछ इस टाइप से बनाई गई है, जैसे कि आपकी एडवेंचर बाइक जो होती है ना भाई, उस टाइप से जो इसकी सीट बनाई है। और भाई सीट भी इसकी काफी ज्यादा कंफर्टेबल है, काफी ज्यादा सॉफ्ट और कुछ नहीं है, मतलब कि अगर आप इस पे राइड करोगे तो काफी ज्यादा कंफर्टेबल जो आपकी यहाँ पे राइड रहने वाली है। और मैं रेयर पिलियन सीट की बात करूँ तो ये सीट भी आपको काफी ज्यादा कंफर्टेबल देखने को मिलती है। पीछे आपको कनेक्टेड ग्रैब रेल देखने को मिलता है, रेयर में LED टेल लाइट आती है, और हेलोजन इसके इंडिकेटर रहेंगे। और जो इसका रेयर से जो टायर साइज है वो भी मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे आपको
MRF कंपनी का टायर देखने को मिलता है। टायर साइज की बात करूं 110/80/17 का आपको ट्यूबलेस टायर देखने को मिलता है। रियर में आपको यहाँ पर ड्रम ब्रेक ही देखने को मिलेंगे, 130mm का ड्रम ब्रेक का सेटअप आता है रियर में। और रियर में आपको मोनो सस्पेंशन देखने को मिल जाएंगे जो कि आपके एडजस्टेबल है। और यहाँ पे आपको 125 की जो है कुछ इस टाइप से यहाँ पे ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। और इस बाइक के अंदर आपको यहाँ पे किक भी देखने को मिलती है दोस्तों, यहाँ पे आपको किक स्टार्ट का ऑप्शन भी दिया गया है कंपनी की तरफ से। और इस बाइक के अंदर आपको जो है यहाँ पे हेडलाइट के कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे, आपकी भाई डिजिटल जो LCD डिस्प्ले इसके कंट्रोल हो गए, इंडिकेटर हो गया, नीचे हॉर्न का स्विच है। और भाई यहाँ पे आपको जो है किल स्विच, ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप का स्विच, इसके अंदर आपको जो है ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप का जो फीचर वो देखने को मिलता है। ये आपका सेल्फ का बटन हो गया। इधर आपको USB मोबाइल चार्जिंग का पोर्ट देखने को मिल जाएगा, जिससे वाइल्ड राइडिंग आपने स्मार्टफोन को चार्ज कर पाओगे। सिंगल ट्यूबलर हैंडल बार आता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ में आती है ये बाइक। ये इसका टॉप वेरिएंट है जैसे कि मैंने आपको बताया। आप यहाँ पे चेक भी कर सकती हो, कॉल अलर्ट, मैसेज अलर्ट, सर्विस अलर्ट वगैरह जो आपको देखने को मिल जाएगा। इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी आप यहाँ पे चेक कर पाओगे। इंजन मैल फंक्शन, गियर पोजिशन इंडिकेटर, हाई बीम, ये आपका इंडिकेटर का होगा कुछ इस टाइप से। और यहाँ से जो आप अपनी डिस्प्ले कंट्रोल पाओगे, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, ट्रिप मीटर, ट्रिप वन, ट्रिप टू, ओडोमीटर फ्यूल का लेवल दिखाएगा, स्पीड हो गया, ओडोमीटर, क्लॉक, ये आपका यहाँ पे रहने वाला है। और इसके अंदर आपको ब्लूटूथ ऑन ऑफ का सिस्टम भी देखने को मिल जाता है दोस्तों। तो मैं कहूँगा कि भाई 125cc के अंदर आपको जो जरूरत के सारे फंक्शंस जो इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। फ्रेश लुक, फ्रेश डिजाइन देखने को मिल जाएगा। कंबाइन ब्रेकिंग सिस्टम आता है बाइक के अंदर जो कि आप यहाँ पे चेक भी कर पाओगे। जैसे ही आप फ्रंट ब्रेक को अप्लाई करोगे वैसे ही आपका रियर ब्रेक भी अप्लाई होगा। या मैं यूं कहूँ कि जैसे ही आप रियर ब्रेक को अप्लाई करते हो यहाँ से आपका फ्रंट ब्रेक भी जो है अप्लाई हो जाएगा कुछ परसेंट। तो मैं ओवरऑल कहूंगा कि भाई काफी ज्यादा फ्रेश लुक के साथ में काफी बेहतरीन जो है कंपनी ने बाइक निकाली है। और इस बाइक के अंदर जो आपको माइलेज देखने को मिलेगी ना भाई, वो आपको काफी ज्यादा बेहतरीन देखने को मिलेगी। करीबन आपको 55 से लेके 60 की जो माइलेज देखने को मिल जाएगी। बाकी डिपेंड करता भाई आप इस बाइक को चलाते कैसी है। और अगर मैं इसकी पावर और BHP की बात करूँ तो 11 BHP की पावर और 11 ही न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको इस बाइक के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। और काफी ज्यादा बेहतरीन लुक है। अब बात कर लेते हैं भाई कंपटीशन से। तो दोस्तों कंपटीशन में आपने देखा ही होगा कि भाई कंपटीशन के अंदर काफी सारी बाइकें आती हैं, लेकिन उनका प्राइस जो है ऑन रोड प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो वो आपको कहीं ना कहीं इसके आसपास ही देखने को मिलते हैं, लेकिन 2-4 हजार रुपये किसी का आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, किसी में आपको कम। और उनके अंदर जो आपको कईयों के अंदर TFT डिस्प्ले आ जाएगी, नहीं तो नॉर्मल अगर आप देखोगे एक्सट्रीम हो गया जैसे, तो एक्सट्रीम के अंदर भी आपको LCD डिस्प्ले पैनल ही देखने को मिलता है। और जो आपकी राइडर है उसके अंदर आपको कलर TFT डिस्प्ले देखने को मिलती है बस। अगर आपको TFT की मतलब कि कलर TFT की जरूरत नहीं है ना भाई, तो मैं कहूंगा कि अगर आज के टाइम में अगर आपको 125cc की बाइक लेनी है, फ्रेश लुक के साथ में लेनी है, स्पोर्टी लुक भी आए, फ्रेश लुक भी मिले, सब कुछ उसके अंदर एकदम ब्रांड न्यू हो, तो मैं कहूंगा कि आप इस बाइक पे जा सकते हो। आग बंद करके इस बाइक को ले लेना, इसमें आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। इंजन भी इसका काफी बेहतरीन है माइलेज वगैरह के मामले में, और एकदम फ्रेश लुक देखने को मिलती है। बाइक सामने से देखने से भी ऐसी लगती है जैसे कि एक सेगमेंट अप की बाइक जो है आप यहाँ पे राइड कर रहे हो। ओवरऑल बाइक जो है वो यहाँ पे काफी बेहतरीन रहने वाली है। और मैं इसके जो आपको ऑन रोड प्राइस की बात कर लेता हूँ एक बार, मैं आपको बता दूं कि इस बाइक का ऑन रोड प्राइस आपको क्या देखने को मिलता है। ये है इसका भाई डिस्क ब्लूटूथ वाला वेरियंट। तो दिल्ली के अंदर ये बाइक आपको करीबन 1,15,000 रुपये ऑन रोड प्राइस के अंदर देखने को मिल जाएगी। और ये बाइक आपकी अवेलेबल है भाई ग्लोबल बजाज पीरागढ़ी शोरूम पे। और इस बाइक से रिलेटेड कोई भी क्वारीज है तो आप शोरूम को कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट डिटेल आपको स्क्रीन पे मिल जाएगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको शोरूम की गूगल लोकेशन का लिंक देखने को मिल जाएगा। तो फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, और कुछ रह गया हो बच गया हो तो भाई आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं ऐसी किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय। Thanks for watching.